प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। सातवीं कक्षा गणित में हम सरल समीकरण विषय को पढ़ रहे थे और हम प्रश्नावली 4.1 कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.1 का आपको जो होमवर्क दिया था, प्यारे बच्चों, आपकी कक्षा से केवल चार बच्चों का होमवर्क मुझे प्राप्त हुआ है। क्रिश, मोनिका, सिमरन और काकुन, इन्हीं चार बच्चों ने होमवर्क करके मुझे भेजा है। बाकी बच्चे भी होमवर्क पूरा करके मुझे भेजें। तो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.2 में सरल समीकरण के अंतर्गत चर को किस तरह से पृथक किया जाता है ये जानेंगे। हमें चर को पृथक करने के लिए क्या करना होता है, किस अंक को जोड़ना है या घटाना है या गुणा करना है या भाग करना है, ये हम सीखेंगे आज। बच्चों, प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न है, चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और समीकरण को हल कीजिए। यह समीकरण है x माइनस 1 बराबर है 0। आपने चर को पृथक करने की विधि बतानी है और समीकरण को हल करना है। तो यहां पर चर क्या है? x, यह है चर, ठीक है। तो आपने इस चर को अलग करना है, तो पर चर के साथ क्या जुड़ा है? माइनस 1। तो माइनस एक को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस ए, ताकि माइनस से प्लस कैंसिल हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इस समीकरण के दोनों पक्षों में एक को जोड़ूंगा। जब मैं यहां एक जोड़ूंगा तो मुझे यहां पर भी एक जोड़ना होगा, क्योंकि तभी मेरा जो समीकरण है वो संतुलित रहेगा, बराबर रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, चर को पृथक करने के लिए दोनों पक्षों में मुझे एक जोड़ना है, तो मैं लिखूंगा चर को पृथक करने के लिए दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर देखिए बच्चों, जब एक जोड़ूंगा मैं, मेरे पास क्या आएगा? x माइनस एक, ये लेफ्ट साइड थी, इसमें मैंने एक जोड़ दिया, जिसको हम बायां पक्ष बोलते हैं, और राइट साइड में मेरे पास था जीरो, तो यहां भी मैं एक जोड़ूंगा। माइनस एक से प्लस एक कैंसल, और यहां पर कितना बचा मेरे पास? x, और यहाँ जीरो जमा एक कितना हुआ? एक। तो इस तरह से मैंने क्या किया, जो मेरे पास समीकरण था x माइनस एक बराबर है जीरो, इसको हल किया, और इसका हल क्या आया? x बराबर है एक। हल कैसे किया? चर को पृथक करने की विधि से। तो इस तरह से आप प्रश्नावली 4.2 का जो पहला प्रश्न है उसको हल करेंगे। इसी का एक और प्रश्न लेते हैं, जैसे d है x जमा 6 बराबर है 2। मैं इसका d ले रहा हूं, x जमा 6 बराबर है 2। बच्चों, यहां चर x है, चर के साथ है जमा 6, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 6 को घटाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो मैं क्या लिखूंगा, चर को पृथक करने के लिए, चर को पृथक करने के लिए दोनों पक्षों में से कितना घटाना है? मुझे 6 घटाना है। तो जब मैं दोनों पक्षों में से 6 घटाऊंगा, मेरे पास लेफ्ट साइड या बायां पक्ष था x जमा 6, तो यहां भी घटाया मैंने 6, और राइट साइड में था 2, यहां भी घटाना है मैंने 6। तो क्या बना? 6 माइनस 6 0, यहां बचेगा x, और 2 माइनस 6 कितना होता है? माइनस 4। तो इस तरह से आप
सभी प्रश्न पहले के कंप्लीट करेंगे। बच्चों दूसरा प्रश्न है, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए, फिर समीकरण को हल कीजिए। अब यहां पर जो चर है वो L है और L के साथ क्या लगा है, तीन। तीन L के साथ क्या हुआ है, गुणा। ठीक है, तो अगर चर के साथ अंक गुणा हुआ है तो हमें क्या करना पड़ता है, उस अंक से भाग। जैसे हमने पहले प्रश्न में देखा, जहां जमा था वहां हम माइनस करते थे, जहां माइनस था वहां हम जमा करते हैं। उसी तरह जहां अंक चर के साथ गुणा हुआ है तो हमें चर को पृथक करने के लिए उस अंक से क्या करना है, भाग। तो यहां चर L है और तीन इसके साथ हुआ है गुणा, तो चर को पृथक करने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों को या दोनों ओर तीन से भाग करूंगा। हम लिखेंगे चर को पृथक करने के लिए दोनों पक्षों को तीन से भाग करने पर दोनों पक्षों को तीन से भाग करें तो क्या आएगा, देखिए ये था मेरा बायां पक्ष, लेफ्ट साइड, तो इसको किया मैंने तीन से भाग, और ये है मेरी राइट साइड या दायां पक्ष, इसको भी किया मैंने तीन से भाग। जब मैं तीन से भाग करूंगा, तीन से तीन कट जाएगा, इक्की तीन चौदह तीन बयालीस, एन का मान कितना आया, चौदह। तो इस तरह से दूसरे प्रश्न के आप सभी भाग करेंगे। चलिए और एक प्रश्न हम करते हैं, प्रश्न नंबर दूसरे का है, जेड बटे तीन बराबर है पांच बटे चार। यहां भी क्या करना है, चर को पृथक करना है और इसे हल करना है। अब जो तीन है ये चर के साथ क्या हुआ है, यहाँ भाग हुआ है, तो मुझे चर को पृथक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीन से गुणा। देखो प्लस के केस में माइनस करते हैं, माइनस के केस में प्लस, गुणा के केस में भाग, यहां भाग है तो हम क्या करेंगे, गुणा। तो हम लिखेंगे चर को पृथक करने के लिए दोनों ओर, या हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों को, दोनों ओर तीन से क्या करना है, गुणा। जब आप तीन से गुणा करेंगे तो ये बनेगा z बटे तीन गुणा तीन। लेफ्ट साइड में z बटे तीन है तो तीन से गुणा कर दिया, राइट साइड में है पांच बटे चार, यहां भी करना है तीन से गुणा, तीन से तीन कट गया, z बराबर है कितना आएगा, पांच गुणा तीन पंद्रह बटे चार। तो z का मान कितना आया, पंद्रह बटे चार। तो इस तरह से आप दूसरे के सभी भाग करेंगे। बच्चों तीसरा प्रश्न है, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो यहां पर ही आपने जो पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न में किया है वही आपने यहां पर भी करना है। देखिए इस समीकरण को हल करना है, चर को पृथक करना है सबसे पहले, तो चर को पृथक करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने उसको लिखना है। यहां माइनस दो है यह हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस दो है तो दो को क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में दो जोड़ने पर, तो पहले चरण में हम क्या करेंगे, चरण एक दोनों पक्षों में कितना जोड़ना है आपने, दो। देखिए बच्चों दोनों पक्षों में जब आप दो जोड़ेंगे कितना आएगा, तीन एन माइनस दो जमा दो बराबर है छियालीस जमा दो। ये मेरा बायां पक्ष था, लेफ्ट साइड थी, इसमें मैंने दो जोड़ दिया, और ये मेरा दायां पक्ष है, राइट साइड है, इसमें भी मैंने दो जोड़ दिया। अब माइनस दो से प्लस दो कैंसिल, मेरे पास क्या आया,
तीन एन बराबर है, ये या का निशान होता है, किसका निशान है ये, या, इसको क्या पढ़ते हैं हम, या पढ़ते हैं। 46 में दो जोड़ देंगे 48 आएगा। अब इस चर n के साथ तीन गुना हुआ है, इसको खत्म करने के लिए मुझे क्या करना है, तीन से भाग, तो चरण दो में जाना है। अब चरण दो में क्या आएगा, दोनों पक्षों को तीन से भाग करने पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों को, पक्ष हुए दोनों साइड है, लेफ्ट और राइट साइड, ये लेफ्ट ये राइट, दोनों पक्षों को तीन से भाग करने पर। बच्चों दोनों पक्षों को जब तीन से भाग करेंगे कितना आएगा, यहां बनेगा तीन एन, भाग कर दिया तीन से, और 48 को भी किया भाग तीन से, तीन से तीन कट गया, यहाँ क्या बचा एन, एक ही तीन तीन, 16 तीन 48, तो एन का मान कितना आया 16, तो आगे आप लिखेंगे एन बराबर है 16 या एन बराबर है 16, तो इस तरह से आप हल करेंगे। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर तीसरे का सी है 20 पी/3 बराबर है 40, तो चरण एक सबसे पहले हमने क्या करना है, इस तीन को हटाना है, तो ये भाग हुआ है, तो मुझे क्या करना है, दोनों पक्षों को तीन से गुणा करना है, तो चरण एक में क्या आएगा, दोनों पक्षों को तीन से गुणा करने पर, जब आप दोनों पक्षों को तीन से गुणा करेंगे 20 पी/3 तीन से गुणा होगा और 40 भी तीन से गुणा होगा, तीन से तीन कैंसिल, यहां बचा 20 पी, 40 तीन 4 तीन 12 120। अब चर को पृथक करना है, चर के साथ 20 क्या है गुणा है, तो मुझे क्या करना है 20 से भाग, तो मैं जाऊंगा चरण दो में, क्या लिखूंगा, दोनों पक्षों को किससे 20 से क्या करना है, 20 यहां गुना हुआ है तो क्या आपने क्या करना है भाग, दोनों पक्षों को जब आप 20 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 20 पी/20 बराबर है 120/20, 20 से 20 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1 दुने 2 6 दुने 12, तो यहां क्या आया P बराबर है, ये या का निशान लगेगा, P बराबर है 6, ठीक है, तो इस तरह से आप P का मान ज्ञात करेंगे। बच्चों प्रश्न नंबर चौथा, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए 10 पी बराबर है 100। तो जो ये प्रश्न नंबर चौथा है ये बिल्कुल प्रश्न नंबर तीसरे की तरह ही आपने करना है, प्रश्न नंबर चौथे के सभी भाग प्रश्न नंबर तीन की तरह ही करने हैं जैसे आपने प्रश्न नंबर तीन के सभी भाग किए हैं। तो आप आज होमवर्क के लिए जो ये प्रश्नावली 4.2 है, प्रश्नावली 4.2 के सभी प्रश्न आप करेंगे। तो प्यारे बच्चों आप जो भी प्रश्न हल करते हैं अपनी रफ कॉपी फेयर कॉपी में, पहले उसको आपने रफ कॉपी में हल करना है, उसको समझना है, और अधिकतर प्रश्न वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताए हैं कि कैसे हल करने हैं, और जो प्रश्न आपको हल करने को दिए जाते हैं आप उन्हें स्वयं पहले रफ कॉपी में हल करें, उसके बाद फेयर कॉपी में उनको लिखें, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है हल करने में तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, कोई भी आपकी दिक्कत होगी आपकी दिक्कत को ज़रूर मैं दूर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, जो नई वीडियो है वो आपको परसों भेजी जाएगी अगले टॉपिक की, और कल आप वीडियो को देखकर होमवर्क करेंगे।